हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम। मैं आज आपको कोरल ड्रॉ 11 के अंदर आई ड्रॉपर टूल और पेन बकेट टूल के बारे में बताऊंगा। आई ड्रॉपर टूल और पेन बकेट टूल। तो सबसे पहले आप अपना कोरल ड्रॉ एप्लीकेशन ओपन करें और फाइल में जाएं, न्यू करें, नया पेज लें। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई देगा बहुत सारे टूल्स हैं, आपको दिखाई देंगे। उसको ठीक नीचे आप देखेंगे, इसको बोलते हैं पेन बकेट टूल। ये इस जगह माउस पॉइंटर रखेंगे, ये इंटरेक्टिव इनवेलप टूल के ठीक नीचे पेन बकेट टूल आपको दिखाई देगा। उसके ठीक क्लिक करेंगे, राइट हैंड साइड में काला रंग का बटन है, वहाँ पे दो आपको टूल दिखाई देगा। पहला आई ड्रॉपर टूल, दूसरा है पेन बकेट टूल। एक्चुअली आई ड्रॉपर टूल से हम लोग क्या करते हैं, कलर्स पिक करते हैं, मतलब सिलेक्ट करते हैं। मतलब अगर पर्टिकुलर कोई कलर हमें अवेलेबल नहीं है कोरल ड्रॉ के अंदर, कलर डॉकर बॉक्स के अंदर, तो हम आई ड्रॉपर टूल से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और पेन बकेट टूल से फिल कर सकते हैं। जो आई ड्रॉपर टूल से हम लोग जो कलर सिलेक्ट करते हैं उसको हम लोग जनरली पेन बकेट टूल से फिल करते हैं। अब मैं दिखाता हूँ ये आई ड्रॉपर टूल और पेन बकेट टूल का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे कोरल ड्रॉ के अंदर। तो जैसा कि ये मैंने पहला पेज अपना ओपन कर लिया है, कोई सा भी आपके पास वर्सन हो तो भी चलेगा। तो सबसे पहले फाइल में जाएं, उसके बाद मैं एक फ़ोटो लेके आता हूँ इम्पोर्ट, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि कैसे आप ये जैसे कि एक फ़ोटो है, इस पर क्लिक किया इंपोर्ट, ये एक फ़ोटो लाया मैंने। अब इसमें देखिए बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे ये पिक्चर है, इसके अंदर बहुत सारे कलर हैं। जैसे ये आप साड़ी का कलर देख सकते हैं, ये बच्चे ने एक टी शर्ट पहना हुआ है, इसका एक अलग कलर है, बैकग्राउंड में ग्रीन कलर है। तो अगर पर्टिकुलर सपोज मुझे कोई कलर चाहिए जो आपके राइट हैंड साइड में अवेलेबल कलर डॉकर बॉक्स के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, एक रेक्टेंगल बॉक्स लिया है मैंने। अब इसमें ये ब्लैंक है और लेफ्ट क्लिक करने से ये कलर फिल हो जाएगा, ये फिल हो गया। अब मुझे ये जो बच्चे ने, ये जो पिक्चर के अंदर ये बच्चे ने जो ये टी शर्ट पहना हुआ, ये कलर मुझे इसमें फिल करना है। अगर यहाँ पे कलर अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप आई ड्रॉपर टूल, इससे आई ड्रॉपर टूल से हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, करने के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप ये जो देख सकते हैं, ये कलर मुझे चाहिए, जो बच्चे ने टी शर्ट पहना हुआ है ये कलर मुझे चाहिए, तो इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप राइट हैंड साइड में देखेंगे ये कलर इस जगह आपको दिखाई देगा, ठीक नीचे राइट हैंड साइड में, आप एप्लीकेशन कोरल ड्रॉ का राइट हैंड साइड में आपको दिखाई देगा वो कलर सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आप क्या करें, जो कलर अब मैंने सिलेक्ट किया आई ड्रॉपर टूल से, वो कलर को कैसे फिल करना है, उसके बगल वाला टूल है जिसको बोलते हैं पेन बकेट टूल, उस पर क्लिक करें। और फिर इस जगह पे मैंने रेक्टेंगल बॉक्स पे क्लिक कर दिया, वो कलर देखिए, ये कलर और ये कलर दोनों सेम है। देखिए ये बच्चे ने जो टी शर्ट का कलर है वो सेम टू सेम ये कलर मैंने फिल कर दिया। अब सपोज अब ये जो लेडीज हैं, इनका जो ये साड़ी का जो कलर है, ये कलर मुझे चाहिए, इसको फिल करना है इसके अंदर, तो क्या क्या करना होगा। तो आप अगेन इस जगह पे जाएं, आई ड्रॉपर टूल पे, उस पर क्लिक करें आई ड्रॉपर टूल, और साड़ी पे क्लिक करें। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, देखेंगे राइट हैंड साइड में वो कलर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये पेन बकेट टूल, उस पर क्लिक करें, और फिर ये देखिए साड़ी का कलर और ये सेम टू सेम हो गया। सपोज अब मुझे ग्रास का कलर चाहिए, ये ग्रीन, ये जो ग्रीन है पीछे का बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, अगर ये कलर मुझे इसके अंदर फिल करना है, इस पेन बकेट के अंदर, या सॉरी इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर ये कलर मुझे चाहिए, तो क्या करें, अगेन आप जाएं आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये जो पीछे का जो आप ग्रास देख सकते हैं दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करें। करने के बाद अगेन आप पेन बकेट में जाएं, सॉरी ना पेन बकेट टूल में जाएं, उस पर क्लिक करें और फिल कर दें। ये देख सकते हैं ग्रीन पीछे का बैकग्राउंड, ये ग्रास का जो कलर है वो ग्रीन है और यहाँ भी ग्रीन आ गया। तो आप फोटो के अंदर से आप कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, और उसके बाद आई ड्रॉपर टूल से जब सिलेक्ट करते हैं उसका फिल आपको करना है पेन बकेट टूल से। मतलब जनरली क्या होता है, आई ड्रॉपर टूल से हम लोग कलर सिलेक्ट करते हैं, पिक करते हैं कलर सिलेक्ट करने के बाद, और पेन बकेट टूल से उसी कलर को जो मैंने आई ड्रॉपर टूल से सिलेक्ट किया उसी कलर को हम पेन बकेट टूल से फिल करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।